बुधवार 26 जनवरी को देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। हालांकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर के बीच हर बार से थोड़ा अलग नज़ारा जरूर रहा, लेकिन बावजूद इसके अखंडता, एकता और भाईचारा का संदेश देते हुए लोग देशभक्ति के माहौल में सराबोर नजर आए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के अशोक विहार में देखने को मिला, जहां हिंदू मुस्लिम सब ने एक साथ मिलकर ध्वजारोहण कर भाईचारा का संदेश दिया। इस दौरान ध्वजारोहण कर सब ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस गणतंत्र दिवस की खुशियां मनाई। साथ ही सभी देश की आज़ादी में अपना बलिदान न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी याद कर उन्हें नमन किया। गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हृदय की गहराई से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और नमन करती हूँ उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की गणतंत्र बनाने में, स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी। नमन करती हूँ उन शहीदों को जिनके नाम भी इतिहास में दर्ज होंगे। गणतंत्र दिवस को हम लोग आज वहाँ ना जाकर, इंडिया गेट पे जो बड़ा प्रोग्राम होता है, वहाँ ना जाकर अपने अपने क्षेत्र में मनाते हैं। और कोरोना के इस समय में हम लोगों ने अपने कोरोना की सभी गाइडलाइंस को ध्यान में दिया है और उसको देखते हुए कम इसमें मनाया है। और तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन वीरों का जो शहीद होते हैं। हम तो हर साल ये मनाते ही हैं, बड़े प्रोग्राम इंडिया गेट पे हैं या हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे प्रोग्राम चलते हैं।